नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। ग्रेटर नोएडा में आज से 2 ऑक्सीजन रिफिलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर शुरू किए गए हैं। कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन मरीजों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की शुरुआत की गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई इस मुहिम के तहत ऑक्सीजन सिलेंडर जमा कराने के 24 से 48 घंटे में ऑक्सीजन मिल जाएगी। इस दौरान ऑक्सीजन लेने वालों को डॉक्टर का पर्चा समेत अन्य दस्तावेज दिखाने होंगे। ग्रेटर नोएडा में ऑक्सीजन रिफिलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 2 जगह शुरू किए गए हैं, जिनमें ग्रेटर नोएडा के मिहिर भोज पार्क और बालक इंटर कॉलेज में ऑक्सीजन रिफिलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की स्थापना की गई है। जिलाधिकारी सुहास एलवाई के निर्देशन पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इन सेंटरों की स्थापना की है। आज से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में कोविड-19 के संक्रमण से प्रभावित होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की सुविधा के लिए मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति हेतु डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्शन सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिनमें से एक डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्शन सेंटर ग्रेटर नोएडा ईस्ट के सम्राट मिहिर भोज पार्क सिटी पार्क तथा दूसरा ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में गौतम बुद्ध बालक इंटर कॉलेज में स्थापित किया गया है। इस अवसर पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के SEO दीप चंद ने कहा कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग हेतु आधार कार्ड की छायाप्रति, डॉक्टर द्वारा जारी दवाई का पर्चा, प्रिस्क्रिप्शन ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल रिपोर्ट, कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर रजिस्ट्रेशन एवं सिलेंडर जमा करने की अवधि 8 मई को प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगी तथा 9 मई से उक्त सुविधा प्राप्त 10 बजे से 1 बजे तक उपलब्ध रहेगी। उक्त सुविधा सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध रहेगी। ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग हेतु जमा ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों की आपूर्ति 48 घंटे के अंदर सुनिश्चित की जाएगी। प्राधिकरण के द्वारा सम्राट जी भोज पार्क सिटी पार्क के पास में ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं सभी ग्रेटर नोएडा के निवासियों से यह अनुरोध करना चाहता हूं और ये अवगत कराना चाहता हूं कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा 2 ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर्स की स्थापना की गई है, एक सम्राट मिहिर भोज पार्क में और एक गौतम बुद्ध बालक इंटर कॉलेज में। इन दोनों जगहों में आप खाली सिलेंडर अपना जमा करवा सकते हैं। निर्धारित शुल्क जमा करवाते हुए आपको 24 से 48 घंटे के अंदर अथॉरिटी द्वारा अपनी वेबसाइट के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप वापस आ करके और हमारी रिसीविंग दिखा करके और सिलेंडर रिफिल्ड सिलेंडर अपना वापस प्राप्त कर लें। इसके लिए जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर महोदय ने आदेश दिया हुआ है। ध्यान रखें कि फार्म 2 प्रतियों में भर के लाएं, एक अपने साथ ले जाएं, एक यहाँ रिसीव करवा दें। उसमें आपको एक पंजीकरण नंबर दिया जाएगा जो आपके सिलेंडर में भी पड़ा होगा, उसी के आधार पर आपको सूचना भी दी जाएगी, उसी के आधार पर अपना सिलेंडर आप वापस कलेक्ट करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पेशेंट की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट लानी होगी, मरीज़ के आधार कार्ड की छाया प्रति लानी होगी, डॉक्टर का पर्चा प्रिस्क्रिप्शन लाना होगा और मरीज के SPO2 की सैचुरेशन। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए टाइम 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।